और यहां पर हम सर्च कर लेते हैं पावर ISO। फ्रेंड्स पावर ISO सर्च करने के बाद आपके सामने देख सकते हैं काफी सारे रिजल्ट आ गए हैं। तो जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है जो पावर ISO की मेन वेबसाइट है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसकी मेन वेबसाइट खुल चुकी है और इस पे यहाँ आपको दो सेटअप दिखाई देंगे जिसमें एक 64 बिट का है और एक 32 बिट का, क्योंकि फ्रेंड्स जो 64 बिट वाले हैं तो उनके लिए 64 बिट का अलग दिया हुआ है, जो 32 बिट वाले हैं उनके लिए 32 बिट का अलग दिया हुआ। तो फ्रेंड्स आपका जो भी पीसी है 32 बिट या 64 बिट उसके हिसाब से आप यहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूं और इंस्टॉल भी कर चुका हूं, तो आप यहां से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे पावर ISO का आइकॉन आ गया, तो अब मैं इस पे डायरेक्टली क्लिक कर लेता हूँ। और इस पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस है इस सॉफ्टवेयर का। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है, हमें इसे परचेज करना पड़ता है, लेकिन हम छोटे मोटे कामों के लिए इसे परचेज नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम कंटिन्यू अनरजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जिसमें आपको टूल, जो टूल दिखाई दे रहा है आपको फोर्थ नंबर पे, आप टूल पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ जैसे ही हमने टूल पे क्लिक किया है उसके सामने काफ़ी सारी लिस्ट आ गई है और लिस्ट में एक जगह आपको दिखाई देता होगा क्रिएट बूटेबल USB। तो फ्रेंड्स जो क्रिएट बूटेबल USB है इसी पर क्लिक करना है। तो चलिए अब इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से बूटेबल पेन ड्राइव बनाई जाएगी। तो हमने जैसे इस पर क्लिक किया है आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स की परमिशन की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपके सामने फिर वही पेज खुल जाएगा, तो इसमें आपको फिर वही कंटिन्यू अनरजिस्टर पर क्लिक करना है। तो यहाँ से इस पर क्लिक कर देते हैं उसके सामने, और इसके बाद अब आपके सामने एक पेज खुल के आया है जिसमें अब आपको जो भी आपकी विंडोज़ है तो उसकी ISO इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और अब आप अपनी पेन ड्राइव या जो भी आपकी USB पेन ड्राइव है उसको कंप्यूटर में लगा दीजिए। तो यहाँ से अब मैं एक ISO इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको ISO इमेज बनाना नहीं आती तो फ्रेंड्स उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। उसमें मैंने बताया कि किस तरह से हम विंडोज़ की ISO इमेज बना सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स विंडोज़ कॉपी करके नहीं होता है, उसकी ISO इमेज बनानी पड़ती है, तभी वो दूसरी CD या फिर पेन ड्राइव में हम उसे बूटेबल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं एक इमेज मैंने सिलेक्ट कर लिया है विंडोज़ 7 का, और जो नीचे आप देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन, तो इसमें हमारी जो भी पेन ड्राइव हमने अपनी USB पेन ड्राइव लगाई वो यहाँ पर डिटेक्ट होगी। अगर डिटेक्ट ना हो तो आप जो बराबर में रिफ्रेश का आइकॉन है उस पर क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद अब आप स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर एक ऑप्शन है, तो फिर आप इस पर ओके कर दीजिए। अब फ्रेंड यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमारी जो भी पेन ड्राइव थी वो विंडोज़ बूटेबल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसमें तो काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स जिस तरीके का आपका सिस्टम है, किस तरह की स्पीड है, कौन सा है, उसके हिसाब से यहाँ पर स्पीड आएगी। तो यहाँ से इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा स्किप कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ लास्ट का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये बूटेबल USB बन चुकी है। तो अब इस पर यहाँ से क्लिक कर दीजिए और इस सबको क्लोज कर दीजिए। और आप देख लेते हैं फ्रेंड कि हमारी जो भी USB थी वो बूटेबल हुई है या नहीं हुई है, तो हम माई कंप्यूटर में जाके देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आपके सामने विंडो का आइकॉन आ जाए उस पर बनके, तो समझ लीजिए कि वो पेन ड्राइव बूटेबल हो चुकी है। अगर वहाँ पर आइकॉन नहीं आता है तो इसका मतलब वो पेन ड्राइव ठीक से बूटेबल विंडो नहीं बन पाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ तो फिलहाल ये विंडो बिल्कुल ठीक तरीके से बन चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।